देखो मुंबई की हालत आज 12 तारीख है, 12 जून, और आज है जगन्नाथ रथ यात्रा। और मैं जा रही हूँ रथ यात्रा में, बल्कि सुबह से क्या, 3-4 दिन से कंटिन्यू बारिश हो रही है वैसे तो, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम फिर भी रथ यात्रा में जाएंगे क्योंकि हमारे प्रभु जा रहे हैं भीगते हुए, तो हम भी जाएंगे भीगते हुए। चप्पल ऊपर कुछ पहना नहीं है मैंने, अपना चैंटिंग बैग तो ले ही लिया है, बस फटाफट पहुँच जाऊँ। मेट्रो जाऊँगी यहाँ से पहले ऑटो करके, मुझे ऑटो नहीं मिल रही है तो मैं पैदल ही जा रही हूँ क्योंकि मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती, क्योंकि 1-1.5 बजे का टाइम तो ऑलरेडी काफ़ी लेट हो गया। मुझे मेरी एरिया का समझ नहीं आता, कभी कभी मिलेगी तो घर के बाहर निकलते ही ऑटो मिल जाएगी, नहीं मिलेगी तो बाहर तक जाऊँगी तब तक ऑटो नहीं मिलेगी। ये फाइनली मैं पहुँच गई हूँ, मुझे बहुत मुश्किल से ऑटो मिली है कसम से, तो कृपा है हमारे जगन्नाथ प्रभु की, मिल गई, मैं तो मिलने वाली भी नहीं थी। और भयंकर ट्रैफिक है यहाँ पे, अच्छा हुआ मैं मेट्रो से जा रही हूँ। ये रहा, तो जल्दी जल्दी टिकट लेके निकले। ये मेरी ट्रेन है लेकिन मैं इसको छोड़ रही हूँ क्योंकि मेरी सखी की ट्रेन छूट गई है, वो आने वाली थी, उसकी ट्रेन छूट गई है तो मुझे वेट करना पड़ेगा यहाँ की वहाँ। तो मैंने सोचा उसको बोला छोड़ दो, तो बोला कि ठीक है चलो ये वाला छोड़ देते हैं, तो नेक्स्ट वाली ट्रेन हमारी 5 मिनट बता रही है, तो 5 मिनट में आएगी तो साथ में जाएंगे। तो वेट करते हैं, बाहर का नज़ारा तो देख लीजिए। हम पहुंच तो गए, यहाँ तो और तेज बारिश है, मलाड़ी ठीक था, फंस गए लेकिन जाएंगे। ये पहुंच गए, सब छाता लेके आए हैं, ये लेके आए, ये बच गई, अभी तो और भीगेंगे हम। कैसी कृपा है, देखिए कैसी कृपा है, इतनी देर तक रस्सी पकड़ने को मिल गई। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ।
jaya sati nandana 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 jaya sati ये देखिए, ये वो स्थान है जहाँ पे हमारे प्रभु जी को विराजमान किया जाएगा। तो हम तो पहले आ गए हैं, उनको आने में थोड़ा समय लगेगा। तो 10 दिन तक वो यहाँ विराजमान रहेंगे, तो श्री जी की कृपा हुई तो फिर आएंगे उनके दर्शन करने के लिए हम। ये फूड कोर्ट काउंटर है, प्रसादम तो यहाँ लिखा तो हुआ है। लाइव मेंबर तो हम है ही नहीं, कहीं भी चले जाएंगे बेसमेंट, बेसमेंट में खा लेंगे बेसमेंट में जाके खाएंगे हम। चलो भैया देख लो, तो ये मिल गया हमें हमारा प्रसादम। याद है हम 20 मिनट में थोड़ा जल्दी आ गए, प्रसादम पाके निकलेंगे क्योंकि ठाकुर जी व्रत करते भी हैं, अकेले जाना पड़ेगा। चलिए प्रसादम पाते हैं, अभी लोग आए नहीं हैं और हम प्रसादम पाके निकल भी लिए लास्ट टाइम के। ये हमारी बेशर्मी है देखो, इसके लिए हम बहुत भूख लगी थी बस, वो बोले खा लो, हमारे जग्गू समझ जाएंगे। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है, घर वापस भी आना है, हमारे ठाकुर जी भी है ना, सबसे मेन मुद्दा वो है। और हमने देखो पूरा चल के आए हैं, पूरी हमने यात्रा कंप्लीट की है, बस हाँ हमें जग्गू पीछे रह गए, वो बात अलग है, हमको रास्ते में मिल ही जाएंगे कहीं ना कहीं से, लास्ट टाइम भी मिले ही थे। इंतज़ाम तो अच्छा किया है, पूरा पत्रा वत्रा लगा के।
देखो टाइमिंग देखो, हमारा लास्ट टाइम भी हम बाहर निकले थे उसी जगह पे पहुंचे थे, तो लास्ट टाइम भी हमको रथ वहीं मिली थी। इस बार भी इत्तेफाक देखो कि इस बार भी हम प्रसादम पाके निकले और इस बार भी रथ ये रही। सही है सही है। अभी भी सब लोग रथ पकड़ के ही खड़े हैं। हमको थोड़ा टाइम लगेगा वहाँ पहुँचने में। ये देखो क्या मिला सखी। कब बोलेंगे बहुत मेहनत किया है वैसे भी इन लोगों ने बारिश में डांस करके। कृपा कृपा कृपा। चलो भैया अब चले हम, बहुत लेट हो गया है वैसे भी। देखा जाते जाते वो हमसे कभी गुस्सा नहीं होता, हमने पहले प्रसादम पा लिया फिर भी उन्होंने गुस्सा नहीं किया। अरे हमको दोनों को रेड कलर का दिया है ना, देखो कितना प्यार करते हैं। चाहते तो वाइट भी दे सकते थे है ना, लेकिन फिर भी रेड दिया। ये होता है प्यार, वो हमसे बहुत प्यार करते हैं। ये पहुँच गए हम वापस मलाड। बहुत तेज बारिश हो रही है, ट्रैफिक भी भयंकर है, पैर की हालत भी ख़राब है, पता नहीं मैं कब तक घर पहुँचूँगी मुझे कोई आइडिया नहीं है। मुझे लग नहीं रहा है कि मुझे ऑटो मिलने वाली है, क्योंकि यहाँ से ऑटो जल्दी मिलती नहीं है, मतलब मुझे फिर पैदल जाना पड़ेगा घर तक। और बारिश देखो और ऑटो भी, ट्रैफिक भी, सॉरी। तो फाइनली हम आ गए हैं घर, मुझे ऑटो तो मिली नहीं, तो मैं वहाँ से पैदल ही पैदल आई। और बहुत तेज़ बारिश हुई थी, पूरा भीग गई थी मैं। आके मैंने स्नान किया, बस सोने से पहले मेरे बाल ये सूख जाए तो अच्छा। अब भोग मैं ठंडा होने के लिए रख दी हूँ। और ये देखिए हमारे बच्चे प्यारे प्यारे, शकुंजू हमारी प्यारी लाडो, ये हमारे प्यारे प्यारे नंद। और हम ये पाठ कर रहे हैं क्योंकि आज तो बहुत सारा पाठ मेरा बाकी रह गया है, तो वो भी मुझे करना है। तो सोने से पहले जो मेरा नित्य पाठ है वो मुझे करना है, चाहे कितनी भी थकान क्यों ना हो। तो चलिए आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरा गला बैठ गया लग रहा है और मुझे ठंड भी लग रही है। चलिए श्री हरिवंश।